अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक साउथ इंडियन डिश शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है दाल वड़ा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है और खाने में भी एकदम लाजवाब लगता है। बारिश के मौसम में आप इसको चाय के साथ गरम गरम इंजॉय करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे 3/4 कप चना दाल, और इसमें अब हम इसका डबल पानी डालेंगे और दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भीगने देंगे। 3 से 4 घंटे बाद आप देख सकते हैं दाल डबल हो गई है। इसको हम आपको नाखून से तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए, इसके आसानी से 2 टुकड़े हो गए हैं। अब इसको हम धो लेंगे। हमें दाल को 3 से 4 बार अच्छे से धो लेना है। यहाँ पर हमने दाल को 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और सारी दाल को हम एक स्ट्रेनर में निकाल देंगे ताकि इसमें जो भी पानी है वो निकल जाए। ध्यान रहे कि दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल में बिल्कुल पानी नहीं है। अब हम इसमें से 2 से 3 चम्मच दाल को अलग निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर दाल को मैं हैंड ब्लेंडर से दरदरा कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसको मिक्सर जार में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पानी बिल्कुल नहीं डालना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दाल को अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें हम जो हमने दाल निकाली थी वो ऐड कर देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हम 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और 20 से 25 कड़ी पत्ता काट कर डालेंगे। कड़ी पत्ते से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम नमक डालना भूल गए थे, तो अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और एक बार फिर से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें से हम रोटी का जो पेड़ा लेते हैं उस साइज़ का पोर्शन उठाएंगे, फिर इसको हल्के हाथों से बॉल बना करके थोड़ा फ्लैट कर लेंगे और इसी तरीके से हमें सारे वड़े बनाकर तैयार करने हैं। यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें थोड़ा सा टुकड़ा डालकर चेक कर लेते हैं तेल अच्छे से गर्म है या नहीं। तो देखिए कि ये एकदम ऊपर आ गया है, मतलब तेल अच्छे से गर्म है। अब इसमें एक एक कर 7 से 8 वड़े एक बार में डाल लेंगे। हमें अच्छे से तेल को गर्म करना है। अगर हम ठंडे तेल में वड़े डाल देंगे तो ये टूट जाएंगे। एक बार वड़ा थोड़ा सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसको पलटेंगे। हमें गैस की फ्लेम यहाँ पर लो कर देनी है और लो फ्लेम पर हम इसको गोल्डन होने तक पका लेंगे। और यहाँ पर जो वड़े गोल्डन हो गए हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे और हमें सारे वड़े इसी तरीके से फ्राई करने हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे वड़े अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इनको तेल से निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला वड़ा बनकर के तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।